दोस्तों, अगर आपके पास इस प्रकार से ख़राब मोबाइल का चार्जर पड़ा है ना, तो आप इसे चार्जर की मदद से एक आप एलईडी बल्ब का सर्किट बना सकते हैं, यानी ड्राइवर सर्किट बना सकते हैं इसे ख़राब मोबाइल चार्जर से। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर एम से पिछवी जलाना होगा, यहाँ पर 9 वाट का एम से पिछवी है, तो इसको जलाने के लिए यहाँ पर हमको चार्जिंग सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, जब दोस्तों आप इस प्रकार से अगर चार्जिंग सर्किट लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें ना आपको 4 डायोड मिल जाता है। या मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर हमारा 4 डायोड लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, डायोड को आपको चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है? जैसे आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को यहाँ पर बजट के में सेट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी मोड दिया रहता है, तो यहाँ पर देखिए बीप साउंड आता है, तो यहाँ पर मैं चेक कराता हूँ। देखिए शायद किसी ने ना यहाँ पर प्रोप जो है उल्टा लगा दिया है। चलिए यहाँ पर मैं कामन में लगाता हूँ और यहाँ पर रेड वायर को देखिए इस प्रकार से हमने लगा लिया है। देखिए बीप साउंड आ गया ना। चलिए यहाँ पर देखिए डायोड कैसे चेक करना है। डायोड में हमारा 2 भाग होता है, एक हमारा सिल्वर पट्टी, एक ब्लैक पट्टी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर पट्टी है और यहाँ ब्लैक पट्टी। अब देखिए इसको कैसे चेक करना है। यहाँ पर जैसे मल्टीमीटर का प्रोप लगाएंगे तो हमारा क्या होता है ना, डायोड से हमारा 500 करीब में रीडिंग आता है एक तरफ, और एक तरफ नहीं आता। तो एक तरफ तो नहीं आया, दूसरे तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 500 प्लस आ रहा है ना, देखिए 700 आ रहा है। तो ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो दोस्तों यहाँ पर है ना, देखिए 700 दिखा रहा है। देखिए चलिए, इसका मतलब हमारा डायोड सभी सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चारों डायोड को सबसे पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने चारों डायोड को यहाँ पर रिमूव कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ देखिए सिल्वर पट्टी जो दिख रहा है ना, देखिए इसका सिल्वर लेंगे और इसका सिल्वर। हम इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सिल्वर भाग को यहाँ पर सिल्वर पे इस प्रकार से सोल्डिंग कर देंगे। और यहाँ देखिए एक जो है ना, यहाँ देखिए ब्लैक भाग और ब्लैक भाग को, यानी हम दोनों डायोड को कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर सोल्डिंग आज से सोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों डायोड को इस प्रकार से जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इसका भी 2 ले गए है और यहाँ पर इसका भी 2 ले गए। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको भी यहाँ पर सोल्डिंग आज से सोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से सोल्डिंग कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ना देखिए हमको क्या करना है, इसे चार्जर सर्किट से ना, यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर दिया है, देखिए 2.2 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का है। अभी यहाँ से ना इसे कैपेसिटर को आपको निकाल लेना है। देखिए आपको चार्जर सर्किट में कैपेसिटर भी मिल जाएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसी कैपेसिटर को ही रिमूव कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर रिमूव कर लिया। इसमें देखिए प्लस माइनस दिया रहता है। अब देखिए हम माइनस कहाँ पर जुड़ेंगे, प्लस कहाँ पर जुड़ेंगे, तो आप इसे डायोड में समझ लीजिए। देखिए इस प्रकार से हमारा ये रेक्टिफायर बन गया। अभी हम देखिए सिल्वर दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, दोनों भाग हमारा सिल्वर है और यहाँ पर ब्लैक है। तो सिल्वर जो है ना, यहाँ पर हम कैपेसिटर का प्लस पॉइंट जुड़ेंगे। देखिए इसमें माइनस प्लस बना है, तो प्लस पॉइंट सिल्वर पर लगा देंगे और जो माइनस है यहाँ पर ब्लैक पर लगा देंगे। अब यहाँ से हम फेस और न्यूट्रल एसी सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कैपेसिटर को ही यहाँ पर सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने कैपेसिटर को सोल्डिंग कर लिया, यानी यहाँ पर देखिए माइनस जो पॉइंट था यहाँ ब्लैक पट्टी पर मैंने लगा लिया और जो यहाँ प्लस पॉइंट था मैंने सिल्वर पट्टी पर लगा लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कनेक्शन इतना तो हो गया। अभी यहाँ पर हम एम सी पी सी लेंगे। देखिए इसमें से हमारा प्लस माइनस वायर आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्लस को हम कैपेसिटर के प्लस पे और जो दोस्तों हमारा रेक्टिफायर का सिल्वर पट्टी है सिल्वर पट्टी पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको भी मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए हमारा प्लस पॉइंट सोल्डिंग हो गया। चलिए माइनस को भी मैं यहाँ पर कैपेसिटर के माइनस और यहाँ पर जो रेक्टिफायर का हमारा ब्लैक पट्टी है ब्लैक पट्टी पर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो गया। अभी यहाँ पर एक हम पीएफ कैपेसिटर लेंगे। देखिए हमारे पास ये 115J 400 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर है। इसके साथ मैंने एक रेजिस्टेंस 460 किलो ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हूँ, क्वार्टर वाट में है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ना, इसी रेजिस्टेंस को मैं इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट किया हूँ कि दोस्तों जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे ही दोस्तों हमारा जो दोस्तों ये रेजिस्टेंस इसको शॉर्ट कर देगा, यानी हमको झटका नहीं लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारा ये रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देखिए फेस न्यूट्रल यहाँ से दोनों पॉइंट पर देंगे।
तो मैं किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पर शोल्डिंग कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर कर लेता हूँ, देखिए इस वाले पॉइंट से मैं इस पीएफ कैपेसिटर को कर लेता हूँ शोल्डिंग। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर शोल्डिंग कर लिया, ये तो हो गया। अब यहाँ से फेस और यहाँ से न्यूट्रल देंगे, यानी यहाँ से दोनों पॉइंट से मैं एसी सप्लाई दूंगा। यहाँ पर तो चाहे तो आप एक फ्यूजर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हाफ वाट में। दोस्तों आप 10 से 20 ओम, 47 ओम, 80 ओम तक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं। देखिए इस प्रकार से हमने लगा दिया। चलिए जो प्लग है ना, प्लग को मैं बोर्ड में इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं बोर्ड में इंसर्ट करता हूँ और यहाँ देखिए हमारा एमसीपीस भी फुल ब्राइटनेस पे ग्लो होने लगा। चलिए मैं आपको वोल्टेज भी चेक कराता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मल्टीमीटर को हम 200 के रेंज में सेट कर लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को। अभी यहाँ पर वोल्टेज मैं आपको फाइंड कराता हूँ, हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। देखिए इस प्रकार से हम इसको सबसे पहले लगा लेते हैं। देखिए लगा दिए, आप मल्टीमीटर पर भी ध्यान दे सकते हैं कितना हमारा वोल्टेज आ रहा है। देखिए देखिए शायद हमारा सही से लग नहीं पा रहा है यहाँ पर, नहीं तो आपको क्लियर हो जाए। देखिए 88.5 वोल्ट हमारा आ रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा जो एम सी पी सी है वो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर लगा है और यहाँ पर हमारा सीरीज वाला बोर्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो एम सी पी सी है बहुत ही बढ़िया तरीके से जल रहा है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो आप ना इस प्रकार से एक मिनी सर्किट बना सकते हैं अपने घर पर, जो भी दोस्तों हमारे पास से ख़राब का मोबाइल चार्जर है ना, आप उससे बना सकते हैं। जैसे मेरे पास से ख़राब पड़ा था तो मैंने इसे एक छोटा सा सर्किट बना दिया और हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम करा है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं स्टूडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।